तो हेलो गाइस, अपने लोग इंडिया है राइट वीट्स को जहां पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑसम कंटेंट्स एंड अमेजिंग वीडियोस। तो गाइस, आज के वीडियो अंदर फिर से लेके आ गए हो अल्टीमेट डिक्शनरी का एपिसोड नंबर 5 था या फिर 6 था, भूल गया मैं। हाँ, एपिसोड नंबर 6, जहां पे मैं आपको अल्टीमेट एलियंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। So let's start। तो गाइस, आज की अल्टीमेट डिक्शनरी के एपिसोड 6 के अंदर एक ऐसे एलियन के अल्टीमेट फॉर्म की बात करेंगे जो कि वो अपने पहले अपीयरेंस यानी कि फर्स्ट डेब्यू से ही बेंटन फैंस के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर और फेवरेट हो गया। हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बिग चिल के अल्टीमेट फॉर्म यानी कि अल्टीमेट बिग चिल के बारे में। जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि आखिर अल्टीमेट बिग चिल अपने नॉर्मल फॉर्म से कितना ज्यादा बेहतर है और उसके अंदर कौन सी नई एबिलिटीज है। सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़े से इसे अल्टीमेट फॉर्म की अपीयरेंस या फिर डिजाइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अल्टीमेट फॉर्म के अंदर बिग चिल के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, इतने ज्यादा भी उसके डिजाइन के अंदर चेंज नहीं किए गए। जैसे कि सबसे पहले मैंने उसका कलर थीम पूरा चेंज कर दिया गया है, उसको आइस टाइप से एकदम फायर टाइप की तरह दिखाया गया है, यानी कि उसके डार्क ब्लू कलर से पूरा उसका कलर थीम चेंज कर दिया गया है रेड कलर के अंदर। बाकी बिग चिल के विंग्स और उसके आंखों के आसपास फ्लेम वाला डिजाइन किया गया है। प्रोग्रेस अल्टीमेट बिग चिल भी अपने नॉर्मल फॉर्म की तरह अपने पंखों को मोड़कर एक हुडी बना सकता है। प्रोग्रेस अगर मैं पर्सनली बताऊं तो यहाँ पे जो बिग चिल का ये पंखों को मोड़कर अपना कपड़ा बनाने वाला जो डिजाइन यानी कि ये कंसेप्ट मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया। और गाइस, आप लोगों को भी ये कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि आखिर अल्टीमेट बिग चिल अपने नॉर्मल फॉर्म से कितना ज्यादा पावरफुल है और उसके अंदर कौन सी नई एबिलिटीज है। तो गाइस, यहाँ पे जब बिग चिल अपने अल्टीमेट फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी सभी एबिलिटीज काफी ज्यादा एनहांस हो जाती है। और गाइस, अल्टीमेट बिग चिल जो आइस फ्लेम है यानी कि अल्टीमेट फॉर्म में बिग चिल जो फायर शूट करता है जो कि कुछ देर बाद आइस में कन्वर्ट हो जाती है। और बहुत सारे बेंटन फैंस को इस फायर के बारे में भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, तो चलिए मैं अब गाइस आपको समझाता हूँ। तो दरअसल ये एक तरह की आइस फ्लेम है, यानी कि ये गर्म नहीं है बल्कि ये नॉर्मल आइस से कई गुना ज्यादा ठंडी है। और अगर आपने देखा होगा कि ज्यादा ठंडी चीज अगर आप अपने हाथ में पकड़ते हो, जैसे कि बर्फ अपने हाथ में पकड़ते हो, तो आपको थोड़ी देर बाद कुछ जलन सी फील होगा। तो सिमिलर यहाँ पे अल्टीमेट बिग चिल के जो आइस फ्लेम से वो भी काफी ज्यादा ठंडे हैं, तो इतने ज्यादा कूल है कि वो काफी ज्यादा बर्न कर सकते हैं। इस अल्टीमेट बिग चिल अपने आइस फ्लेम के साथ साथ प्लाज्मा बीम भी शूट कर सकता है यानी कि जनरेट कर सकता है, और वो इसे किसी भी चीज को बर्न भी कर सकता है। वैसे यहाँ पे जो मैं प्लाज्मा बीम की बात कर रहा हूँ वो पूरी तरीके से अलग है आइस फ्लेम से, ये जो है बर्न कर देती है। अल्टीमेट बिग चिल भी अपने नॉर्मल फॉर्म की तरह इंटेंजिबल हो सकता है। यहाँ पे मैं इनविजिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इनविजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी में काफी ज्यादा फर्क है। यानी कि इंटेंजिबल होने के बाद वो किसी भी तरह के यार किसी भी चीज के आर पार जा सकता है और कोई भी एनर्जी ब्लास्ट उसके आर पार चला जाएगा, उसको कोई असर ही नहीं होगी। और यहाँ पे अल्टीमेट बिग चिल के पास एक एक्स्ट्रा एबिलिटी भी है कि वो अपने हाथों से भी आइस फ्लेम्स को जनरेट कर सकता है, और ये जो आइस फ्लेम्स होती है वो अपने उसके मुंह से निकलने वाले यानी कि ब्रीथ से निकलने वाले आइस फ्लेम से काफी ज्यादा स्पीड में किसी भी चीज को फ्रोस्ट करती है, यानी कि काफी स्पीड से जमा देती है। अल्टीमेट फॉर्म के अंदर बिग चिल की उड़ने की स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है उसके नॉर्मल फॉर्म से। यहाँ पे अल्टीमेट बिग चिल के पास भी साइरोफ्रीजिंग की एबिलिटी है, यानी कि वो किसी भी चीज को छूकर उसको फ्रीज कर सकता है। अल्टीमेट बिग चिल काफी ज्यादा अलग अलग एनवायरमेंट जैसे कि वैक्यूम स्पेस, एक्सट्रीम हीट, इंटेंस कोल्ड या फिर डीप ओशंस के अंदर अंडरवाटर भी सर्वाइव कर सकता है, वो भी बड़ी आराम से। तो सब इतनी सारी पावर्स और एबिलिटीज के साथ साथ उसके कुछ वीकनेसेस की भी हम बात कर लेते हैं। इस अल्टीमेट बिग चिल की भी एक बहुत बड़ी वीकनेस है अपने नॉर्मल फॉर्म की तरह इलेक्ट्रिसिटी, और उसे वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी की पावर से उसको आसानी से इंटेंजिबल फॉर्म में भी पकड़ा जा सकता है। अब गाइस, यहां पे इंटेंजिबल होने की जो उसकी एबिलिटी वो यूजलेस हो जाती है अगर उसका अपोनेंट भी इंटेंजिबल हो सकता हो। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको कुछ बोनस फैक्ट बताता हूं अल्टीमेट बिग चिल के रिलेटेड। अल्टीमेट बिग चिल अपने नॉर्मल फॉर्म की तरह जब कुछ बोलता है तो उसका माउथ बिल्कुल भी नहीं हिलता। तो जैसे कि मैंने अपने अल्टीमेट ह्यूमंगस और अल्टीमेट सोमफायर के एलियन डिक्शनरी या फिर अल्टीमेट डिक्शनरी के अंदर बताया था कि वो दोनों अप्रैल 2011 और अक्टूबर 2011 के एलियन ऑफ द मंथ बने थे। अब यहाँ पे बिल्कुल सिमिलरली अल्टीमेट बिग चिल भी जुलाई 2011 का एलियन ऑफ द मंथ बना था। और गाइस, यहाँ पे बेंटन के आर्ट डायरेक्टर डेरिक है वो अल्टीमेट बिग चिल को ओमनिवर्स सीरीज के अंदर एल्बिडो के अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में ऐड करना चाहते थे, और उसके अंदर ऐसी एबिलिटी ऐड करना चाहते थे कि वो कोल्ड वेदर को क्रिएट कर सके और उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। ये थी अल्टीमेट बिग चिल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि अगली अल्टीमेट डिक्शनरी के अंदर कौन से अल्टीमेट फॉर्म को लिया जाए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप ये वाले अमेजिंग वीडियोस देख सकते हो।